यहाँ बैठे हुए, ये थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ते ही ये लोग थक चुके हैं। यहाँ देख सक रहे हैं आप, धीरे वीडियो में आ हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ इंदौर का पित्त पर्वत और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अब ये पर्वत पर ट्रैकिंग करता हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, सारा डिटेल्स आपको दूंगा। जय श्री राम। आप अगर यहाँ पे आते हैं पित्त पर्वत, तो यहाँ पे आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का पार्किंग मिलेगा और दोनों का चार्जेस। तो भैया टू व्हीलर का चार्जेस कितना है? टू व्हीलर का 5 रुपया, फोर व्हीलर का 10 रुपया। कितने घंटे के लिए? जब तक आप और अब तक आपकी गाड़ी अब तक जब तक आप। तो गाइस जब तक आप चाहो रख सकते हैं यहाँ पे, कोई घंटा का नहीं है, लेकिन टू व्हीलर 5 रुपया और फोर व्हीलर 10 रुपये चार्जेस लगेंगे पार्किंग का। तो अभी अंदर चलते हैं, यहाँ से आप सीढ़ी से जा सकते हैं और या इस साइड से आप कार जैसे रोड बने रोड चेकिंग करते हुए यहाँ से जा सकते हैं। तो इस रास्ते से मैं चलता हूँ आपको लेकर। तो गाइस ये रोड है ढलान जैसा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ट्रैकिंग करने से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पर्वत पे चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सुविधा है कि उबर खाबर नहीं है, ये रोड बना दिया गया है रास्ते पे। तो गाइस देखिए, ये हमारे बापी दोस्त और राहुल दोस्त दोनों यहाँ बैठे हुए, ये थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ते ही ये लोग थक चुके हैं। यहाँ देख सक रहे हैं आप, धीरे वीडियो में आने से मना कर रहा, थक गया क्या? बहुत थक गया। देखिए ये नाटक कर रहा है, इसको देख के समझ आ रहा है कि थका नहीं है, नाटक से करके बैठ गया यहाँ पे। ये बहुत सियाना लोग है। तो गाइस अभी आपने जो हनुमान जी का मूर्ति देखा, जो ध्यान करते हुए जो बैठे हुए थे हनुमान जी, वो ठीक इस मंदिर के ऊपर में वो मूर्ति है। और ये मंदिर जो है हनुमान जी का ही मूर्ति मंदिर है। तो इसके अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कहाँ से दरवाजा है और आपको इसके अंदर लेके चलूँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और इसका डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर देखिए दीवार का डिज़ाइन, ये स्तंभ है, इसका डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा मंदिर है ये वाला। तो दोस्तों जैसे आप देख सक रहे, ये मंदिर का दरवाजा अभी बंद है, ये खुलने में टाइम है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और अलग कहीं नई जगह आपको लेके चलूंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो ये मंदिर देखिए कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यहाँ आए इंदौर तो ये पित्त पर्वत में आकर ये मंदिर में दर्शन जरूर से जरूर करें। इतना बड़ा हनुमान जी का मूर्ति है यहाँ पे और यहाँ का डिज़ाइन देखिए मंदिर का, चारों तरफ का बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए थे पित्त पर्वत और यहाँ पे घूमे, जैसे कि आपको हनुमान जी दिखाए। और यहाँ पे हिल स्टेशन है, देखिए हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ का एक खास बात है, यहाँ पे एक अंकल से पूछे थे इनका नाम पित्त पर्वत क्यों पड़ा, तो अंकल ने बताया कि जो पित्त होते हैं हमारे बुजुर्ग, जो
जो स्वर्गवास हो चुके हैं उनके नाम से एक एक पेड़ लगाया जाता है पीतल के लिए, तो इसीलिए इस पर्वत का नाम पीत पर्वत है। तो इसके ऊपर हमारे बजरंग बली का मूर्ति थे और उनका मंदिर भी है। कितना बड़ा बजरंग बली आपको दिखाए। तो गाइस वीडियो में ऐसे कंटिन्यू बने रहिए, आपको और भी अच्छे अच्छे जगह लेके चलूँगा इंदौर में। तो इंदौर घूमने के लिए मेरे साथ बने रहिए एकदम से, मैं इंदौर का सारा डिटेल्स आपको देता रहूँगा, सारे जगह घूमने का दिखाता रहूँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलता रहे और वीडियो का शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलो उसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तो गाइस अभी हम लोग का यहाँ पे घूमना हो चुका है और हम लोग सीढ़ी से होते हुए नीचे जा रहे गाइस। हम लोग धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और दूसरे प्लेस में जाएंगे, देखते हैं और कहाँ पे हम लोग को घुमाने लेके जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।